वायरस ने जो मुसीबत का पहाड़ खड़ा किया है उससे लड़ने के लिए दुनिया भर के देश एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि कैसे भारत ने दुनिया के 30 देशों को दवा सामग्री भेजी, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत पूरी दुनिया को एक परिवार के तौर पर देखता है और अगर इस संकट की घड़ी में कोई दर पर आकर खड़ा होकर मदद मांगे तो भारत पीछे नहीं हट सकता। ऐसे में अब एक गल्फ के देश कुवैत ने भारत से मदद की गुहार लगाई और भारत ने इस देश की गुहार को सुनकर मदद के लिए तैयार हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय की माने तो इस वक्त भारत के 15 डॉक्टर और हेल्थ केयर से जुड़े लोग कुवैत में मौजूद हैं और कोरोना के खिलाफ मदद करने के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय रैपिड रिस्पॉन्स के लोग कुवैत में कुवैती अधिकारियों के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बात बताते चले कि कुवैत और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के बीच 1 अप्रैल को बात हुई थी और ये तय हुआ था कि दोनों देश के लोग एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। दोनों देश अपने अपने नागरिकों को बचाने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाए। यहाँ पर एक बात बताते चले कि दूसरे देशों से जो लोग कुवैत आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है और फिर उनको 14 दिन के क्वारंटीन सेंटर में भेजा जा रहा है। इसलिए कुवैत ने 12 आइसोलेशन सेंटर बनाए हुए हैं और इसकी लंबी लड़ाई के लिए कुवैत सरकार बात कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत कैसे कुवैत की मदद कर रहा है। फिलहाल हम यहाँ पर आपको कोरोना वायरस पर अपडेट देते चलें कि अभी तक पूरी दुनिया में कोरोना से 1,09,000 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 19 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी से संक्रमित हैं।